अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है मटन यखनी नहीं बल्कि मटन अखनी। इस डिश के बारे में हमें पता नहीं था, हमें बस मटन यखनी पुलाव पता था। लेकिन जब हमारी शादी हुई, हमने ये डिश हमारी मदर इन लॉ से सीखी। इस डिश को कहते हैं मटन अखनी और ये येलोइश रेड कलर की होती है। और यकीन मानिए, जो हम मटन यखनी पुलाव बनाते हैं उससे भी ये टेस्टी है और आसान तरीके से तैयार होती है। हमारे घर में तो हर जुम्मे ये डिश जरूर बनती है, या तो दाल गोश्त या तो मटन अखनी। तो चलिए हम बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल की मटन अखनी आपके साथ शेयर करते हैं। 1/3 कप ऑयल हमने गरम किया, जिसमें हमने ले लिया है 4 से 5 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 पीस दालचीनी के। साथ में इसमें डालेंगे तेज पत्ता 2 पीस। आधी मिनट के बाद 3 बड़े प्याज डाल देंगे स्लाइस करके। तो यहाँ प्याज का कलर गोल्डन हो गया, मटन डाल देंगे। तो 1 kg मटन यूज किया हमने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। तो यहाँ 2 टेबलस्पून भरकर डाल दिया हमने, 2 टीस्पून के आसपास नमक, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 6 से 7 हरी मिर्चियाँ हमने क्रश की, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मटन को, कम से कम 4 से 5 मिनट ऐसे चलाते हुए। अच्छी तरह से हमने भून लिया, थोड़ा पानी डालेंगे और प्रेशर कुक करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, बस 1/2 कप पानी हमने डाल दिया। पहले हाई फ्लेम पर 1 विसल तक, बाद में 10 से 12 मिनट लो फ्लेम करके पकाएंगे। प्रेशर को रिलीज होने देंगे, फिर लिड खोलेंगे। एक स्पेशल मसाला कूट करके तैयार करेंगे, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जीरा, 15 से 20 काली मिर्चें, 1/2 दरदरा, इस तरह से 1/2 दरदरा सा कूटेंगे। मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी कर सकते हैं। जिस बर्तन में अखनी बनाकर तैयार करनी है उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। ये जगह आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे 2 टेबलस्पून। साथ में इसमें डालेंगे सूखी 3 लाल मिर्चियाँ। थोड़ा थोड़ा लहसुन गोल्डन हो गया तो जो मसाला हमने तैयार किया कूटकर वो डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करके ये मसाला डालें वरना जल जाएगा। 2 मिनट हमने अच्छा सा भुना। 1 टमाटो की प्यूरी डाल देंगे, साथ में 2 टमाटर बड़ी साइज़ के कट करके भी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी वाली यूज़ की है हमने, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालेंगे। पहले भी हमने डाला था 1/2 टीस्पून, अभी वापस। थोड़ा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून के आसपास ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और टमाटरों के गलने तक पकाएंगे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। मटन को तो हमने गला लिया, 80% तक गलाया है, पूरा 100% नहीं, क्योंकि आगे के प्रोसेस में ये और पकेगा तो हम नहीं चाहते हड्डी से अलग हो जाए गोश्त। चेक करते हैं टमाटर गल गए कि नहीं। टमाटर और मसाले अच्छी तरह भुना गए हैं, आलू डाल देते हैं। तो यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए और ऐसे पीसेस बना लिए। अच्छी तरह से मिक्स किया हमने, थोड़ा सा पानी डालेंगे और आलू को 50% के आसपास गलने देंगे। इसमें हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट हमने आलू को पका लिया, मटन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास पानी हमने कुकर में डाला, ये डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया, दही डाल देंगे। तो यहाँ 3 टेबलस्पून भरकर दही हमने ली बीट करके, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, पानी डाल देंगे। काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे, चावलों के हिस्से का नमक। अच्छा सा जब इसमें बॉईल आएगा तभी हमें इसमें चावल डालने हैं। तो यहाँ हम इसमें 750 ग्राम बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हमने 40 मिनट्स पहले वॉश करके भिगा दिया था। हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि चावल भीगे हुए होते हैं तो टूटने का डर होता है। चावलों को खिला खिला बनाने के लिए 1 से 2 टीस्पून इसमें लेमन जूस भी डालेंगे। हाई फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल होने देंगे। तो यहाँ हमने 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया, फ्लेम को लो करके दम पर पकाएंगे 15 से 20 मिनट। Thank you.
करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, हम एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।